तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। आज का ये जो वीडियो है ना, ये उर्दू फॉर बिगनर्स यानी कि UFB का पार्ट 29 है, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं तीन अक्षर से मिलकर बने अमात्रा वाले उर्दू के शब्दों को लिखना और पढ़ना, जो कि एकदम आसान है। पार्ट वन से आप लोग देखते आ रहे हैं, एकदम आप लोगों को हर चीज़ें आसान ही लग रही है और लगभग लोग जो है ना कमेंट करके बोल भी रहे हैं कि इतना ही पर पार्ट 28 तक मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ ना, तो जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हूँ इतना ही तक आप लोग पढ़कर बोल रहे हैं कि हमें तो उर्दू लिखना और पढ़ना आ गया, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ों को सीखना अभी बाकी है। तो इतना ही पर आप लोग नहीं सोचिए कि हाँ हम कंप्लीट उर्दू सीख लिए, अभी बहुत चीज़ें सीखना बाकी है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 28 यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में ही मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किसी भी उर्दू के अक्षर को कैसे अ की मात्रा में बदला जाता है। अगर वो फार्मूला और ट्रिक पता है तो आप आसानी से इन तीन अक्षर से मिलकर बने अ मात्रा वाले शब्दों को उर्दू में लिख भी पाएंगे और कहीं पर भी शब्द लिखा हुआ है तो पढ़ भी सकते हैं। समझने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इट मीन्स एकदम आप लोग के लिए हलवा लगेगा, ठीक है। अगर नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा। फिलहाल उस वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि औ की मात्रा में कैसे बदला जाता है, तो एक बार फिर से बता दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर फिर से औ की मात्रा वाला पढ़ रहे हैं ना हम लोग। तो किसी भी उर्दू के अक्षर को औ की मात्रा में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस अक्षर के ऊपर जबर लगाकर वाव जोड़ देते हैं। यही है ट्रिक, यही है फार्मूला। मान लीजिए सीन से सौ होता है, सीन से सौ होता है, इसको सौ बनाना है, औ की मात्रा में बदलना है, तो क्या करेंगे, इसी सीन के ऊपर जबर लगाकर और वाव जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सौ हो जाएगा। अभी जोड़ा नहीं है, जोड़िए, सीन का आधा भाग उठा लीजिए और सीन के ऊपर क्या है, जबर है, लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, बस ये जो वाव है ले जाकर सीन में जोड़ दीजिए, तो सीन के ऊपर जबर और वाव जोड़कर ये हो गया सौ। तो किसी भी उर्दू के अक्षर को अगर औ की मात्रा में बदलना है तो उस अक्षर के ऊपर जबर और वाव जोड़ देना है, बिल्कुल इसी तरह। अगर औ लिखना है तो अलिफ के ऊपर जबर और वाव जोड़ दीजिए, औ हो गया। नौ लिखना है तो नून से ना होता है, नून के आधे भाग में क्या कीजिए, नून के आधे भाग में इस तरह वाव जोड़ दीजिए, तो ये ऊपर जबर नहीं लिखा जाता है, ठीक है, तो नून के ऊपर जबर और वाव जोड़ कर ये हो गया नौ। तो इस तरह आप लोगों को करना है, यही फार्मूला का यूज़ करना है, यही ट्रिक का यूज़ करना है और इतने सारे तीन अक्षर से मिलकर बने शब्दों को जो अ मात्रा वाले शब्द हैं आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए जरा मैं इसको मिटा देती हूँ, तो ये मैं मिटा दी, तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो फटाफट सबसे पहले शेयर ही कर दीजिए, क्योंकि मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगी, ये सारा चीज़ बताना स्टार्ट करूँगी, तो उसी दुनिया में आप लोग खो जाएंगे। तो आप लोग शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले ही, और चैनल पर नए आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरी रोज़ आने वाली वीडियोज़ और लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शब्द है तीन अक्षर से मिलकर बने अ मात्रा वाला शब्द, वो है दौलत। दौलत अगर आपको उर्दू में लिखना है, हाउ विल यू राइट, कैसे आप लोग लिखेंगे, सिंपल मैं आप लोग को बताई हूँ कि सबसे पहला अक्षर देखना है दौ है, दौलत में सबसे पहला अक्षर दौ, तो सबसे पहले यही सोचिए कि दौ को उर्दू में क्या कहते हैं। दौ को उर्दू में दाल कहते हैं, लिख दीजिए, और दाल से तो दौ हो गया। ओ दौ बनाने के लिए, ओ की मात्रा में बदलने के लिए क्या करेंगे, इस दाल के ऊपर जबर लगाकर वाव जोड़ देंगे, क्योंकि ओ की मात्रा में बदलने के लिए ऊपर जबर लगाकर वाव जोड़ दिया जाता है, बस इतना ही ये फार्मूला पता रहना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें आसान है। तो ये हो जाएगा दौ। उसके बाद है लॉ, लॉ को उर्दू में कहते हैं लाम, और उसके बाद क्या है लास्ट वाला अक्षर तो, तो को उर्दू में ते कहते हैं, बस अब इन सब को जोड़ दीजिए, आसानी से आप लोग दौलत लिख लेंगे। देखिए जिस तरह दाल लिखा हुआ है, रहने दीजिए, दाल के ऊपर क्या है जबर है, बस ये जो वाव है ले जाकर दाल में से जोड़ दीजिए, ये हो गया दौ। और लाम का आधा भाग आप लोग को ऐसे उठा लेना है, 50% भाग उठा लिए आधा भाग, और इसी लाम के आधे भाग में ये ते को पूरा का पूरा ले जाकर जोड़ दीजिए। पूरा का पूरा क्यों लेकर जा रहे हैं ते को, क्योंकि लास्ट वाला अक्षर है, लास्ट वाला अक्षर पूरा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया दौ ल और त, दौलत। दौलत कितना आसान है लिखना, दौलत उर्दू लिखना और पढ़ना आसान है, बस जो स्टूडेंट्स जो लोग सोच लेते हैं कि उर्दू लिखना पढ़ना बहुत टफ है, बस आप लोग ये मेंटेलिटी नहीं बना लीजिए कि टफ है, सोचिए आसान है तो चीज़ें आसान ही लगने लगेंगी, ठीक है। और जब आप लोग पहले ही सोच लेंगे कि हाँ ये बहुत ज़्यादा टफ है, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगी, तो सच में आपको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उसमें इंटरेस्ट लेना ही नहीं चाहते। जब इंटरेस्ट लेंगे तब अपने आप चीज़ें आसान लगने लगेंगी, ये बहुत ज़रूरी बात है कि आपके अंदर वो जुनून और वो इंटरेस्ट होना चाहिए अपने काम के प्रति, अपने कर्म के प्रति, ठीक है, तभी आप लोग को उसमें मन लगेगा। चलिए नौकर, नौकर कैसे लिखेंगे, ज़्यादा बात न करते हुए फटाफट शब्दों को उर्दू में लिखते हैं, और कहीं पर भी देखिए जहाँ पर भी तीन अक्षर से मिलकर बने अ मात्रा, अब देखिए अ आ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ ए ऐ ओ,
अ हम लोग सीख रहे हैं, तो इतने सारे मात्रा वाले शब्द कहीं पर भी अगर आप लोगों को उर्दू में लिखा हुआ दिख जाए तो पढ़ने की कोशिश कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके पढ़ने और लिखने की कोशिश कीजिए ताकि आप लोग कंप्लीट उर्दू सीख सकें, ठीक है। प्रैक्टिस मैटर्स में, जितना ज़्यादा आप लोग लिख कर पढ़ कर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आप लोग सीखेंगे। तो देखिए, नौकर है, इसको कैसे उर्दू में लिखा जाएगा? तो सबसे पहला अक्षर क्या है? नौ। नौ को उर्दू में क्या कहते हैं? नून कहते हैं। नून लिख दिए, नून के ऊपर जबर लगाकर वाव जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा नौ। और क है, क को उर्दू में काफ कहते हैं। और र है, र को उर्दू में रे कहते हैं। बस अब इन सब को जोड़ देना है, थोड़ा लंबा मैं दे दी इक्वल का निशान, चलिए छोटा दे देती हूँ। हाँ, अब इन सबको जोड़ दीजिए। नून का आधा भाग उठा लेना है ऐसे। नून का तो आधा भाग उठा लिए, नून के आधे भाग को उठा लेने के बाद ये जो ज़बर है वो तो रहेगा लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, बस ये जो वाव है ले जाकर इसे नून के आधे भाग में जोड़ दीजिए। तो नून के ऊपर ज़बर और वाव जुड़कर ये हो गया नौ। और काफ का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, और इसी काफ के आधे भाग में ये जो रे है ना, ये वाला रे ले जाकर जोड़ दीजिए, तो काफ मेरे जुड़कर कर, तो नौ कर, नौ कर। कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं, मौजूद। मौजूद में सबसे पहला अक्षर है मौ। मौ को उर्दू में कहते हैं मीम। मीम से मौ हो गया, लेकिन मौ बनाने के लिए ऊपर दबड़ लगाकर वाव जोड़ दिए। उसके बाद क्या है? जू। जौ को उर्दू में जीम कहते हैं, लिख दिए। जौ को उर्दू में क्या कहते हैं? जीम। जीम से तो जौ हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है? जू है। इसमें ऊ की मात्रा है, तो देखिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, छोटा वाला ऊ की मात्रा है कि बड़ा वाला ऊ की मात्रा है? तो जू में आप लोग देख सकते हैं बड़ा वाला ऊ की मात्रा है। तो किसी भी उर्दू के अक्षर को बड़ा वाला ऊ की मात्रा में बदलने के लिए क्या करते हैं? उस अक्षर के ऊपर पेश लगाकर और उसमें वाव जोड़ देते हैं, तो अक्षर ऊ की मात्रा में बदल जाता है। तो ये भी, इसके ऊपर भी पेश लगाकर वाव जोड़ दी तो ये भी ऊ की मात्रा में बदल जाएगा। उसके बाद में लास्ट अक्षर क्या है? द। द को उर्दू में कहते हैं दाल। चलिए इसको अब जोड़ देते हैं। मीम का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, ठीक है। मीम का आधा भाग ऐसे उठा लिए और मीम के ऊपर जबर है, बस ये जो वाव है मीम में ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा मौ। और जिम का आधा भाग उसी तरह उठा लेना है, जिम के ऊपर पेश है लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, मन में मानेंगे, बस ये जो वाव है जिम में ले जाकर जोड़ दीजिए, तो जिम के ऊपर पेश और वाव जुड़कर जू, और ये जो है दाल से द, तो ये हो गया मौ जू द, मौजूद, ठीक है। कितना आसान है। अब बस आप लोग क्या कीजिए, ज़रूरी नहीं कि कॉपी कलम लेकर ही बैठेंगे, आप लोग क्या कीजिए अपने माइंड में ही सोच लीजिए अगला शब्द क्या है, दौरान। तो अपने माइंड में सोचिए कि दौरान किस तरह लिखा जाना चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर मैं आप लोग को लिखकर तो बता ही रही हूँ, तो मिला लीजिए कि आप लोग सही सोचे थे कि नहीं। इस तरह कीजिए, दौरान है। तो सबसे पहला अक्षर है दौ। द को उर्दू में कहते हैं दाल। द बनाने के लिए ऊपर दबड़ लगाकर वाव जोड़ दिए। रा है, रा को उर्दू में रे कहते हैं। रा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिए। और ना है, ना को उर्दू में नून कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दाल लिखा हुआ है, तो जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख दीजिए। दाल के ऊपर क्या है? जबर है, बस वाव जो है इसी दाल में ले जाकर जोड़ दीजिए, तो ये हो गया द। और रे जिस तरह लिखा है ना उसी तरह रे लिख कर और इसी में अलिफ जोड़ दीजिए, तो रा हो जाएगा, रे में अलिफ जोड़ कर रा, तो द रा, और बस ये जो नून है उसको पूरा का पूरा चिपका दीजिए, तो ये हो गया दौरान, दौरान। तो दौलत, नौकर, मौजूद, दौरान। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। मौसम। मौसम लिखना है तो उर्दू में कैसे लिखेंगे? तो देखिए सबसे पहला अक्षर है मौ। मीम से मौ होता है, इसको मौ बनाने के लिए ऊपर जबर लगाकर वाव जोड़ दिए। और सौ है, सौ को उर्दू में सीन कहते हैं। उसके बाद से है मौ, मौ को उर्दू में मीम कहते हैं, ठीक है। फटाफट अपने माइंड में सोचते चलिए। मीम का आधा भाग उठा लेना है ऐसे। मीम के ऊपर क्या है? जबर है, बस वाव ले जाकर चिपका दीजिए, तो मीम के ऊपर जबर और वाव जुड़कर ये हो गया मौ। और सीन जो है ना, सीन का आधा भाग इस तरह उठा लीजिए, उठा लिए आधा भाग, और उसी तरह मीम जो है ना, मीम का पूरा भाग लास्ट में ले जाकर चिपका दीजिए, तो सीन में मीम जुड़कर ये हो गया सम, तो मौ सम, मौसम। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा मौ। और उसके बाद से सीन को जो है ना, सीन को इस तरह भी लिखा जाता है, ठीक है। तो आप इस सीन को अगर ये इस सीन को अगर आप इस तरह लिखते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, तो अगर इस तरह लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? इस तरह। तो देखिए इसको भी मौसम पढ़ा जाता है, इसको भी मौसम पढ़ा जाता है, क्योंकि सीन को दो तरह से लिखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मतलब ये आप लोग को इसलिए बता दी, कहीं कहीं इस तरह भी लिखा रहता है मौसम, तो ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। और धीरे धीरे आप लोग टफ लेवल पर जा रहे हैं और धीरे धीरे आप अपने मंजिल तक पहुँच रहे हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, ताकि आप लोग मतलब इस तरह के कहीं शब्द दिखे आप लोगों को दिख जाए लिखा हुआ उर्दू में, तो आप लोग वहाँ पर कंफ्यूज ना हो जाए कि अरे ये क्या लिखा हुआ है, ये तो मैं कभी बता ही नहीं हूँ। लेकिन आप लोग चिंता नहीं कीजिए, आप लोगों को हर एक चीज़ बता चुकी हूँ। जब पार्ट टू
मतलब उर्दू फॉर बिगनर का पार्ट वन टू चल रहा था ना, उसी वक्त मैं लिखना बता रही थी तो बताई थी कि सिन को इस तरह भी लिखा जाता है और इस तरह भी लिखा जाता है, तो ये याद रखना है, भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं रौनक। रौनक में सबसे पहला अक्षर है रौ, रौ को उर्दू में कहते हैं रे, उसके बाद ऊपर जबर लगा कर वाव जोड़ दीजिए रौ हो जाएगा, और न है न को उर्दू में नून कहते हैं, और देखिए यहाँ पर क है, लेकिन ध्यान से देखिए, एकदम गौर से देखिए, क के नीचे क्या है, बिंदु है, बिंदु वाला क है, तो इसको ये वाला काफ कहेंगे, ये है का, ठीक है। तो ये हो गया काफ से का, नीचे बिंदु वाला का, तो अब इन सबको जोड़ दीजिए, रे उठा लिए, रे के ऊपर क्या है, ज़बर है, बस वाव ले जाकर चिपका दीजिए, तो ये हो गया रौ, नून का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, और काफ जिस तरह है पूरा का पूरा इसी नून में ले जाकर चिपका दीजिए, रौनक, तो ये हो गया रौनक। जो लोग मतलब पार्ट बीच वाले पार्ट से, पार्ट अगर 15 से देखते हैं, 28 से देखते हैं उर्दू फॉर बिगिनर्स का, तो उन लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो पार्ट वन से नहीं देखते आ रहे हैं। अगर पार्ट वन से अगर आप लोग देखते आएंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी और आप लोग फास्ट करेंगे, ठीक है। तो खैर आगे बढ़ते हैं, पकौड़ी। पकौड़ी में सबसे पहला अक्षर है प, प को उर्दू में कहते हैं पे, और उसके बाद है पे से तो प हो गया, अब क है, क को उर्दू में कहते हैं काफ, काफ से क हो गया, और क बनाना है, औ की मात्रा बदलना है, तो क्या करेंगे, काफ के ऊपर भी जबर लगा कर वाव जोड़ देंगे, तो ये क हो जाएगा, और ड़ी, ड को उर्दू में क्या कहते हैं, ड को उर्दू में ड़े कहते हैं, लिख दीजिए यहाँ पर, ड़े से तोड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, ड़ी है, तो देखिए ड़ी में कौन सा वाला ई की मात्रा है, ड़ी में बड़ी वाली ई की मात्रा है, क्या करते हैं बड़ी वाली ई की मात्रा में बदलने के लिए, तो उस अक्षर के नीचे जेर लगाकर छोटी ये जोड़ देते हैं, तो अक्षर बड़ी वाली ई की मात्रा में बदल जाता है, तो यहाँ पर इसके नीचे भी जेर लगाकर छोटी ये जोड़ दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ी वाली ई की मात्रा में बदल जाएगा। चलिए जोड़ते हैं फटाफट, पे का आधा भाग उठा लेते हैं, अब आप लोग फटाफट कीजिए, क्योंकि आप लोग बिगनर नहीं रहे, काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, तो पे का आधा भाग और उठा लिए, और काफ का आधा भाग उठा लीजिए ऐसे, और इसी पे में जोड़ दीजिए, तो काफ का आधा भाग उठा लिए, और काफ के ऊपर क्या है, ज़बर है, लिखेंगे नहीं, बस ये जो वाव है काफ में ले जाकर जोड़ दीजिए, तो पे से प, और काफ के ऊपर ज़बर और वाव जुड़कर कौ, प कौ, और ये जो रे है जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख दीजिए, रे, और रे के नीचे जेर है, हम लोग लिखेंगे नहीं, बस ये जो छोटी ये है इसी रे के पास जाकर चिपक जाएगी, तो रे के नीचे जेर और छोटी ये जुड़कर रड़ी, तो पकौड़ी, पकौड़ी, वाह वाह, पकौड़ी, नाम सुनकर तो पकौड़ी का याद आ गया मुझे, चटनी के साथ खाने में मज़ा आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, औजार, औजार होता है, नीचे बिंदु वाला ज रहेगा, ठीक है। तो औजार है, सबसे पहला अक्षर है औ, औ लिखना है तो कैसे लिखेंगे, मैं आप लोगों को बताई थी ना, अलिफ़ से अ होता है, अलिफ़ के ऊपर ज़बर लगा कर वाव जोड़ दो तो ये अ हो जाएगा, सिंपल। और ज़ा है, ज़ को उर्दू में नीचे बिंदु वाला ज़ है, तो इस ज़ को उर्दू में ज़े कहते हैं, ज़े से ज़ हो गया, लेकिन ज़ा बनाने के लिए इसी ज़े में अलिफ़ जोड़ देंगे, और र है, र को उर्दू में रे कहते हैं, ठीक है। अगर आप लोग पार्ट वन से देखते आ रहे हैं तो आप फास्ट करेंगे, जहाँ तक मुझे यकीन, मतलब मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, अगर आप लोग पार्ट वन से देखते आ रहे हैं ना तो आप लोग फटाफट करेंगे, ये आप लोग के लिए एकदम हलवा लगेगा। तो मैं भी ज़रा फास्ट हो जाती हूँ, ठीक है, फास्ट में लिखती हूँ, अलिफ लिख दीजिए, और अलिफ के ऊपर क्या है, ज़बर है, लिखेंगे नहीं, हम लोग मन में मानेंगे, बस ये जो वाव है इसी अलिफ में ले जाकर चिपका दीजिए, तो अलिफ के ऊपर ज़बर और वाव जुड़कर ये हो गया औ, और ज़े लिख दीजिए, ज़े में अलिफ जोड़ दीजिए, तो ज़ा हो जाएगा, और रे से र, तो ये हो गया औ, ज़ा, र, औजार, लिखना कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं, औरत। अब देखिए यहाँ पर मामला फंस जाता है, कैसे, ये वाला जो औजार था इसमें अलिफ के ऊपर ज़बर जुड़कर और वाव जोड़ दे रहे थे तो औ हो जा रहा था, लेकिन औरत में जो है ना, अगर पहला ये अक्षर है औ, तो इसमें अलिफ के ऊपर ज़बर लगाकर वाव नहीं जोड़ेंगे। मैं आप लोगों को बताई हूँ कि अलिफ से भी अ होता है और एन से भी अ होता है, तो अगर अलिफ के ऊपर ज़बर लगाकर वाव जोड़ते हैं तो ये अ हो जाता है, ये अ पढ़ा जाता है, तो एन के ऊपर भी तो ज़बर और वाव जोड़ देंगे, एन के ऊपर भी ज़बर लगाकर इसमें वाव जोड़ देंगे, तो ये भी तो अ पढ़ा जाएगा ना, इसी एन के आधे भाग में अगर इस तरह जोड़ देते हैं वाव, तो ये भी तो अ पढ़ा जाएगा ना, तो बिल्कुल सही बात है, इसको भी अ पढ़ा जा सकता है और पढ़ा जाता है, इनफैक्ट पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर औजार में ये वाले अ का यूज़ हो रहा था, लेकिन औरत में ये वाले अ का यूज़ होगा, यानी कि एन से अ होता है, एन के ऊपर ज़बर लगाकर वाव जोड़ दो तो ये अ पढ़ा जाएगा, इसको भी अ पढ़ा जा सकता है, इसको भी अ पढ़ा जा सकता है, कभी कभी इसका यूज़ होता है, कभी कभी इसका यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर इसी अ का यूज़ होता है। तो देखिए औजार में तो इस औ का यूज़ हो गया, लेकिन औरत में ये जो है औरत में औ के जगह इस औ का यूज़ नहीं, एन वाले औ का यूज़ होगा, यानी कि यहाँ पर एन से
अ हो गया और ऐन के ऊपर दबड़ लगाकर वाव जोड़ दिए तो ये हो जाएगा औ, यहाँ पर अलिफ नहीं रहेगा। ये कभी कभी ऐसा हो जाता है, केमिस्ट्री में आप लोग अपवाद पढ़े होंगे ना, तो वही हो जाता है कभी कभी उर्दू के साथ। ठीक है, तो ये हो गया औ और उसके बाद से रे से र हो गया। ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, कभी 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 ऐसा मोमेंट आता है कि अलिफ के जगह ऐन रखा जाता है, तो ये याद रखना है, औरत में हमेशा ऐन रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया रे से रा और उसके बाद से लास्ट वाला अक्षर क्या है ता, तो उर्दू में ते कहते हैं। अब जोड़ दीजिए फटाफट, एन का आधा भाग उठा लेना है आप लोगों को, एन का आधा भाग उठा लिया, एन के ऊपर क्या है ज़बर है, बस वाव जो है इसी एन में जोड़ दीजिए, तो एन के ऊपर ज़बर और वाव जुड़कर ये हो गया ओ, रे है लिख दीजिए और ते है चिपका दीजिए, तो रे से रा और ते से ता, तो अ र त औरत। आगे बढ़ते हैं चौकोर, ये तो लिखना एकदम आसान है, दिखने में थोड़ा टफ लग रहा है लेकिन लिखना बहुत ज़्यादा आसान है। चौ है, चौ को उर्दू में चे कहते हैं और यहाँ पर चौ बनाने के लिए चे के ऊपर ज़बर लगाकर वाव जोड़ दीजिए, ज़बर थोड़ा मैं ज़्यादा लंबा ही खींच दी, छोटा सा खींचा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद है को, कौ को उर्दू में कहते हैं काफ और उसके बाद से है काफ से तो क हो गया लेकिन यहाँ पर क्या है को है, ओ की मात्रा है, तो देखिए सोचिए कि ओ की मात्राएं बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उस अक्षर के ऊपर पेश लगाकर और वाव जोड़ देते हैं, तो वो अक्षर ओ की मात्राएं बदल जाता है, तो काफ के ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दिए तो ये को हो जाएगा और उसके बाद से है र, र को उर्दू में रे कहते हैं। जोड़ देना है सबको, थोड़ा इक्वल का चिन्ह मैं अच्छा से दे दूँ। हाँ, चे का आधा भाग उठा लीजिए फटाफट, चे का आधा भाग उठा ली मैं और चे के ऊपर क्या है ज़बर है, हम लोग मन में मानेंगे बस ये जो वाव है ले जाकर इसी चे में जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा चौ और काफ का आधा भाग ऐसे उठा लेना है, काफ के ऊपर क्या है पेश है, हम लोग मन में मानेंगे बस ये जो वाव है काफ में ले जाकर जोड़ दीजिए, तो काफ के ऊपर पेश और वाव जोड़ कर ये हो गया को, चौ को, और ये जो र है ना रे चिपका दीजिए, चौ को र, चौ को र। आगे बढ़ते हैं राठौर, तो राठौर में सबसे पहला अक्षर है रा, रा को उर्दू में कहते हैं रे और रा बनाने के लिए रे में अलिफ जोड़ दीजिए, उसके बाद से ठौ है, ठौ को उर्दू में कहते हैं क्या कहते हैं किस तरह लिखते हैं, जिस तरह टी से ट इंग्लिश में, टी से ट और टी एच से ठ बिल्कुल उसी तरह उर्दू में होता है टे से ट, और इसी टे के आधे भाग में आगे भाग को मिटाकर इसी टे में एच यानी कि ये वाला हे जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है ठ, इसको क्या पढ़ेंगे आप लोग ठ पढ़ेंगे, तो ये हो गया ठ, लेकिन ठ बनाना है ना तो इस ठ के ऊपर जबर लगाकर वाव जोड़ दीजिए ठ हो जाएगा, उसके बाद है र, र उर्दू में कहते हैं रे, सिंपल है जोड़ दीजिए, रे में अलिफ जिस तरह है रे लिख दीजिए और रे में अलिफ चिपका दीजिए, रा हो गया और जिस तरह यहाँ पर ठ है ना बिल्कुल उसी तरह आप लोग को लिखना है, कोई चेंजेस नहीं, ठ हो गया और ठे के ऊपर क्या है ज़बर है हम लोग मन में मान रहे हैं और ये जो वाव है इसी ठे में ले जाकर जोड़ दीजिए, तो ठे के ऊपर जबर और मतलब ठ के ऊपर जबर और वाव जुड़कर ये हो गया ठौ और उसके बाद से रे से रा, तो ये हो गया राठौर, राठौर, राठौर इस तरह लिखा जाता है। राठौर से नेहा सिंह राठौर की याद आ गई, अभी फ़िलहाल तो उन्हीं का विषय चारों तरफ मतलब चर्चा का विषय बना हुआ है, उन्हीं का जो यूपी में काबा सेकंड वर्जन आया है पार्ट टू, तो काफ़ी सीरियस माहौल है फिलहाल, हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं ना, ज़्यादा बात करते हुए बकवास ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। माहौल, माहौल में सबसे पहला अक्षर क्या है माँ, माँ को उर्दू में कहते हैं मीम, मीम में अलिफ जोड़ दीजिए माँ हो जाएगा, हौ है, हौ को उर्दू में कहते हैं हे और इसके ऊपर जबर लगा कर वाव जोड़ दीजिए तो हौ हो जाएगा, ल है, ल को उर्दू में कहते हैं लाम, अब इन सबको जोड़ दीजिए, मीम का आधा भाग उठा लीजिए और इसी मीम में अलिफ जोड़ दीजिए तो माँ हो गया, और हे का भी आधा भाग उठा लेना है और हे के ऊपर तो ज़बर है बस ये जो वाव है इसको ले जाकर इसी हे में जोड़ देना है, तो हे के ऊपर ज़बर और वाव जुड़कर हो और लाम का पूरा ये जो लाम है ले जाकर चिपका दीजिए, तो ये हो गया माहौल, तो राठौर माहौल। आगे बढ़ते हैं चौराहा, कैसे लिखेंगे उर्दू में, चौ है सबसे पहला अक्षर तो चे से चौ हो गया और इसके ऊपर जबर लगा कर वाव जोड़ दीजिए चौ, रा है, रा को उर्दू में रे इसमें अलिफ जोड़ दीजिए रा हो जाएगा, हाँ है, हा को उर्दू में कहते हैं हे ये छोटी है और इसमें अलिफ जोड़ देंगे तो हा हो जाएगा, अब देखिए इन सबको जोड़िए तो ज़रा चे है, चे का आधा भाग उठा लिए, चे के ऊपर जबर है बस वाव जो है ले जाकर इसी चे में जोड़ दीजिए, तो चे के ऊपर जबर और वाव जोड़ कर चौ, रे में अलिफ जोड़ दीजिए रा, और मैं आप लोगों को बताई हूँ हे जो है अपना शक्ल चेंज किसी दूसरे अक्षर में जुड़ती है तो अपना शक्ल चेंज करके इस तरह रूप ले लेती है, तो ये हो गया ये जो है अपना शक्ल चेंज की और इस तरह अपना शक्ल बना ली और इसी हे में ये जो अलिफ है आए ऐसे आकर जुड़ जाएगा, तो हे में अलिफ जुड़ कर हा, तो चौराहा, चौराहा। आगे बढ़ते हैं बौछार, अगर लिखना है बौछार तो कैसे लिखेंगे,
ब है सबसे पहला अक्षर, तो बे से ब, उसके ऊपर जबर लगा कर वाव जोड़ दीजिए, ब हो जाएगा। छ है, छ को उर्दू में कहते हैं क्या, जिस तरह सी एच से छ, और सी एच में एक और एच जोड़ देते हैं तो सी डबल एच से छ, बिल्कुल उसी तरह उर्दू में चे से तो च होता है, लेकिन इसी चे के आधे भाग को मिटाकर इस आधे भाग में एच यानी कि हे जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है छ। तो ये क्या हो गया, छ हो गया। छ बनाने के लिए अलिफ जोड़ दीजिए, और र है, र उर्दू में रे कहते हैं। बे का आधा भाग उठा लेना है, फटाफट उठाइए, बे के ऊपर तो जबर है, बस वाव ले जाकर बे में जोड़ दीजिए, तो बे के ऊपर जबर और वाव जोड़कर ब, और छः जिस तरह, ये जो छ है ना जिस तरह लिखा हुआ है उस तरह लिख दीजिए, तो ये हो गया छ, और इसी में अलिफ जोड़ दीजिए, तो ये हो गया छ। छ में अलिफ जोड़कर छ और रे से र, तो ब छार, ब छार। आगे बढ़ते हैं, हथौड़ी, हथौड़ी लिखेंगे कैसे उर्दू में, लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। ह, ह को उर्दू में कहते हैं हे, ये हे से भी होता है, इस हे से भी ह होता है, और इस छोटी वाली हे से भी ह होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ये वाले छोटी वाली हे का यूज़ करेंगे। छोटी वाली हे से ह हो गया, उसके बाद थौ, थ को उर्दू में जिस तरह ते से त, मतलब उर्दू में टी से ट और टी में एच जोड़ देते हैं, टी एच से थ, टी से त होता है, टी एच से थ, उसी तरह उर्दू में ते से त और इसी ते में एच यानी कि हे जोड़ देते हैं, थ, थ हो गया। इसके ऊपर जबर लगाकर वाव जोड़ दीजिए, तो थ और ड़ी है, ड़ को उर्दू में कहते हैं ड़े, इसके नीचे जेर लगाकर छोटी ये जोड़ दीजिए, तो ड़ी हो जाएगा, फिर ड़ी में बड़ी वाली की मात्रा है, तो फटाफट मैं करती हूँ। हे आप लोग को मैं अभी बताई कि हे जो है किसी दूसरे अक्षर में जुड़ती है तो अपना शक्ल चेंज करके ऐसा रूप ले लेती है, तो यहाँ पर भी हे जो है ना अपना शक्ल चेंज करेगी और उसी तरह अपना शक्ल बना लेगी, इस तरह रूप अपना चेंज कर ली, ये हो गया ह। थ जो है ना इसी हे में ले जाकर जोड़ना है, बस ये थ को उठाना है और इसी हे में ले जाकर जोड़ दिए, देखिए जिस तरह यहाँ पर था ना इस तरह, उसी तरह मैं ले जाकर इसी हे में ऐसे जोड़ दी, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। हे से ह हो गया और थ को इसी हे में जोड़ दी, अब क्या करना है, थ के ऊपर क्या है, जबर है, बस ये जो वाव है ले जाकर इसी थ में जोड़ दीजिए, तो थ के ऊपर जबर और वाव जोड़कर थौ, तो ह थौ, हथौ तो हो गया, बस ड़ी लिख देना है, ड़े को ले जाइए यहाँ पर, और ड़े के नीचे तो जेर है, बस ये ले जाकर इसी ड़े में चिपका दीजिए, तो ड़े के नीचे जेर और छोटी ये जुड़कर ड़ी, तो ह थौ ड़ी, हथौड़ी। और इसको ज़रा मैं अच्छे से लिखूँगी, मिटाकर ज़रा अच्छे से लिखूँ तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, हथौड़ी, ठीक है, थोड़ा अच्छा से मैं लिख दी ताकि खूबसूरत दिखाई दे। आगे बढ़ते हैं, नौबत, नौबत में सबसे पहला अक्षर है, एक मिनट ज़रा रुक जाइए, हाँ, नौबत में सबसे पहला अक्षर है नौ, नौ को उर्दू में कहते हैं नून, और नौ बनाने के लिए ऊपर जबर लगाकर वाव जोड़ दीजिए, नौ हो जाएगा। ब है, ब को उर्दू में कहते हैं बे, और त है, त को उर्दू में ते कहते हैं, ये तो एकदम आसान है। नून का आधा भाग उठा लेना है, नून के ऊपर क्या है, जबर है, बस वाव ले जाकर जोड़ दीजिए, नून के ऊपर जबर और वाव जोड़कर नौ, बे का आधा भाग उठा लेना है और ते का पूरा भाग ले जाकर बे में जोड़ देना है, तो नौ ब त, नौबत। आगे बढ़ते हैं, भौकाल, भौकाल में सबसे पहला अक्षर है भौ, बी से ब, बी एच से भ, उसी तरह उर्दू में बे से ब और इसी बे के आधे भाग में एच जोड़ देते हैं, तो भ हो जाता है, भ हो गया, बस इसके ऊपर जबर लगाकर वाव जोड़ दीजिए, तो भ हो जाएगा। का है, का उर्दू में कहते हैं काफ, और इसी में अलिफ जोड़ दीजिए, का हो जाएगा। और ल है, ल उर्दू में लाम कहते हैं, अब इन सबको जोड़ देना है। भ जिस तरह लिखा है उसी तरह लिखिए, भ के ऊपर जबर है, बस वाव ले जाकर जोड़ दीजिए इसी भ में, तो ये हो गया भ के ऊपर जबर और वाव जोड़कर भव। काफ का आधा भाग ऐसे उठा लेना है, और ये ध्यान रहे काफ का जैसे ही आप लोग आधा भाग उठाएंगे तो ये सीधा वाला भाग जो है ना ये यहाँ पर कर्व हो जाएगा, ठीक है, ये सीधा वाला जो आप बोल सकते हैं डंडा है ये कर्व यानी कि इस तरह हल्का सा आधा गोल कर देंगे इसको आप लोग, ठीक है, तो ये हो जाएगा काफ का आधा भाग और इसी में अलिफ जोड़ देंगे, तो काफ के आधे भाग से तो क हो जा रहा था लेकिन इसमें अलिफ जोड़ दिए तो का हो गया, तो भव का, और ये जो लाम है पूरा का पूरा चिपका दीजिए ले जाकर, भौकाल, भौकाल। आगे बढ़ते हैं, गौशाला, उर्दू में गौशाला लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हालांकि ये बोल सकते हैं हिंदी का वर्ड है, तो देखिए गौ है सबसे पहला अक्षर, तो गौ को उर्दू में कहते हैं गाफ, गौ बनाने के लिए ऊपर जबर लगाकर वाव जोड़ देंगे, गौ हो जाएगा। शाह है, शाह को उर्दू में देखिए तालाब शाह है ना, तो इसको बड़ी शीन कहते हैं, बड़ी शीन से शाह हो गया, शाह बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिए। ला है, ला को उर्दू में लाम कहते हैं, ला बनाने के लिए इसमें भी अलिफ जोड़ दिए, अब इन सबको जोड़ देना है। गाफ का आधा भाग उठाना है ऐसे, और गाफ के ऊपर जबर है, बस वाव ले जाकर गाफ में जोड़ दीजिए, तो गौ हो जाएगा। शीन है, शीन का आधा भाग उठा लिए और इसी शीन में अलिफ ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए,
तो शाह हो गया और लाम का आधा भाग उसी तरह उठा लेना है और इसी लाम में अलिफ इस तरह ले जाकर चिपका देना है, तो शाह और ला, तो गौशाला गौशाला। लेकिन ये जो लास्ट में अलिफ है ना, इसको लास्ट में अलिफ ना रखकर इसमें हे जोड़ दिया जाता है, गौशाला उर्दू में गौशाला होता है, लास्ट में हे रहता है लेकिन इसको गौशाला ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया गौशाला, आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना, गौशाला, इस तरह से भी शीन लिख सकते हैं, इस तरह से भी शीन लिख सकते हैं, हालांकि मुझे इसी तरह से शीन लिखना पसंद है, तो मैं हमेशा आप देखे होंगे पढ़ाती भी हूँ तो हमेशा इसी तरह शीन लिखती हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दौड़ना, दौड़ना में सबसे पहला अक्षर क्या है, दौ, दौ को उर्दू में कहते हैं दाल, ऊपर जबर लगाकर वाव जोड़ दीजिए तो दौ हो जाएगा, अड़ा है अड़ा को उर्दू में कहते हैं रे, और ना है तो ना को उर्दू में कहते हैं नून, अलिफ जोड़ दीजिए ना हो जाएगा, जिस तरह दाल लिखा है उसी तरह लिख दिए, बस जबर है वाव, मतलब जबर ऊपर है दाल के ऊपर है, तो यहाँ पर हम लोग लिख नहीं रहे, मन में मान रहे हैं, बस ये जो वाव है ये जाकर इसी दाल में जोड़ दीजिए, तो दाल के ऊपर जबर और वाव जुड़कर दौ, और रेज है ना इसी तरह लिख दीजिए, तो ये हो गया दौड़, ये सिर्फ दौड़ हो गया, लेकिन लास्ट में बस ना जोड़ देना है आप लोगों को, नून का आधा भाग उठाना है और इसी में अलिफ ऐसे ले जाकर जोड़ देना है, तो ये हो गया दौड़ना, दौड़ना कितना आसान है दौड़ना लिखना। खिलौना लिखना है तो कैसे लिखेंगे, खी है सबसे पहला अक्षर, तो ख को उर्दू में क्या कहते हैं, कैसे का, कैद से खा, आप लोग बचपन से ही पढ़े होंगे, उसी तरह उर्दू में काफ से का होता है, पता है आप लोगों को, बस इसी काफ के आधे भाग में आधे भाग को मिटाकर आधे भाग में एच यानी की हे जोड़ दीजिए, काफ में एच यानी की हे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा क्या, ख, ख हो गया, लेकिन इसके ऊपर जबर लगाकर वाव जोड़ देंगे तो ये खी, एक मिनट, ऊपर जबर लगाकर इसको ख थोड़ो ना बनाना है, यहाँ पर है खी, तो इसमें ई की मात्रा है, और कौन सा वाला ई की मात्रा है, तो छोटा वाला ई की मात्रा है, तो किसी भी उर्दू के अक्षर को छोटा वाला ई की मात्रा में बदलना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस अक्षर के नीचे सिर्फ जेर लगा देते हैं, तो इस ख के नीचे सिर्फ जेर लगा दी ना, तो ये हो जाएगा खी, और उसके बाद से लाओ, इसमें है ना ओ की मात्रा, तो लाम से ला हो गया, अब इसके ऊपर जबर लगाकर वाव जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा लाओ, और नून में अलिफ जोड़ दीजिए तो ना हो जाएगा। अब देखिए ख जिस तरह लिखा है उसी तरह आप लोगों को लिखना है, ख के नीचे क्या है, जेर तो है, हम लोग मन में मानेंगे, बस ये जो लाम का आधा भाग है ना इसी ख में जोड़ देना है ऐसे, और लाम के ऊपर जबर है, बस वाव ले जाकर इसी लाम में जोड़ दीजिए, तो ख के नीचे जेर जुड़कर ये हो गया खी, और लाम के ऊपर जबर और वाव जुड़कर ये हो गया लौ, तो खी लौ, और नून का आधा भाग में अलिफ जोड़ दीजिए ना हो जाएगा, तो खी लौ ना खिलौना। कितना आसान है लिखना। कौशल, कौशल में सबसे पहला अक्षर है कौ, कौ को उर्दू में कहते हैं काफ, कौ बनाने के लिए ऊपर जबर लगाकर वाव जोड़ दिए, उसके बाद है शौ, शौ को उर्दू में कहते हैं बड़ी वाली शीन इस तरह, और उसके बाद है लौ, लौ को उर्दू में कहते हैं लाम, ठीक है। काफ का आधा भाग आप लोग को ऐसे उठा लेना है और काफ के आधे भाग में वाव ले जाकर चिपका देना है, क्योंकि ऊपर तो जबर है, तो काफ के ऊपर जबर और वाव जुड़कर ये हो गया कौ, और शीन का ये आधा भाग उठा लेना है ऐसे, आधा भाग उठा लिए, और उसके बाद से इसी शीन के आधे भाग में ये जो लाम है इसका पूरा भाग ले जाकर ऐसे जोड़ देना है, तो ये हो गया श और ल, तो कौ श ल, कौशल कौशल। कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं फौरन, जरा ये लास्ट में इसलिए रखी हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना ज़रूरी है। फौरन, फौरन में फ ओ है सबसे पहला अक्षर, तो लिख दीजिए फिर से, तो फ हो गया, ऊपर जबर लगा कर वाव जोड़ दिए, ये हो गया फ, र है, र को उर्दू में कहते हैं रे, और लास्ट में न है, तो आप लोग सोचेंगे कि हाँ लास्ट में ना है तो ना उर्दू में कहते हैं नून, तो चलिए लिख कर एक बार देखते हैं। फ का आधा भाग उठा लीजिए ऐसे, फ का आधा भाग उठा लिए, फ के ऊपर जबर है, बस वाव ले जाकर इसी फ में यानी कि फे में जोड़ देना है, तो फे के ऊपर जबर और वाव जोड़कर ये हो गया फ, रे भी लिख दीजिए और नून ले जाकर चिपका दीजिए, इस तरह उर्दू में फौरन लिखा जाना चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे इस तरह से क्या उर्दू में लिखा जाता है, जी नहीं, इस तरह से उर्दू में फौरन नहीं लिखा जाता है, फौरन लिखा जाता है उर्दू में ऐसे, अलिफ के ऊपर दो ज़बर दे दिया जाता है। अभी आप लोग एक ही ज़बर के बारे में जानते हैं, दो ज़बर के बारे में नहीं जानते हैं, दो ज़बर भी होता है, अलिफ के ऊपर अगर दो ज़बर लगा दिया जाए तो वो अन में पढ़ा जाता है, अलिफ के ऊपर अगर दो ज़बर लगा दिया जाए ना, दो ज़बर जिस तरह आप लोग एक ज़बर इस तरह दे रहे थे, अगर उसको डबल कर दिया जाए तो वो अन, वो जिस भी ये दो ज़बर जिस भी अक्षर के ऊपर लग जाता है ना वो अन में पढ़ा जाता है, अगर अलिफ के ऊपर ये दो ज़बर लगा दिए तो ये अन पढ़ा जाएगा, बे के ऊपर ये दो ज़बर लगा दिए तो वो बन पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो देखिए फ रे से रा हो जा रहा था और अलिफ के ऊपर दो ज़बर लगा दिए तो ये अन पढ़ा जाएगा ना, यानी कि फ रन,
फौरन। तो इस तरह से शुद्ध रूप से आप बोल सकते हैं उर्दू में फौरन इस तरह लिखा जाता है, याद रखिएगा, ये आप लोग को बताना ज़रूरी था। दो ज़बर से क्या होता है, अन पढ़ा जाता है। अगर मान लीजिए लिखना है आप लोगों को, मान लीजिए एक एज एग्जांपल मैं बोल रही हूँ कि अलिफ के ऊपर दो ज़बर है तो अन पढ़ा जा रहा है, उसी तरह बे के ऊपर दो ज़बर है तो बन पढ़ा जाएगा, ते के ऊपर दो ज़बर लग जाएगा तो तन, से के ऊपर या फिर जिम के ऊपर या फिर काफ के ऊपर जिस भी अक्षर के ऊपर ये दो ज़बर लगेगा वो अन में पढ़ा जाता है। इसीलिए यहाँ पर फौरन में फौरन को इस तरह ना लिख कर हम लोग किस तरह लिखते हैं उर्दू में, इस तरह लिखा जाता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं साफ ही मिटा देती हूँ, है ना। तो यहाँ पर आप लोग एक बोल सकते हैं नई चीज़ सीखें, दो ज़बर लगाना, कि दो ज़बर जहाँ जिस भी अक्षर के ऊपर लगता है वो अक्षर अन की मात्रा में बदल जाता है। ठीक है, फौरन, तो अलिफ के ऊपर दो ज़बर था तो इसीलिए ये अन पढ़ा जा रहा था, तो फौरन। ठीक है, आई होप आप लोग को हर एक चीज़ समझ में आ गया होगा। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग का होमवर्क यही है कि दो अक्षर वाला, तीन अक्षर वाला, चार अक्षर वाला, अ आ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ ए ऐ ओ औ, जितना भी मैं पढ़ा चुकी हूँ उन सभी मात्रा से बने शब्दों को आप लोग खुद से लिखिए, पढ़िए, जितना ज़्यादा हो सके कहीं उर्दू लिखा हुआ है उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, अपने से खुद से पहले हिंदी में शब्दों को लिख लीजिए फिर उसको उर्दू में लिखिए। जितना ज़्यादा लिखने और पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा विस्तार होगा, शब्दों का भंडार लगेगा आप लोग के माइंड में, और उतना ही ज़्यादा आप लोग सीख पाएंगे और उतना ही जल्दी सीख पाएंगे। प्रैक्टिस मैटर्स मर, जितना ही ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी सीखेंगे उर्दू को। अभी आप लोग बोल रहे हैं कि पार्ट 28 तक देख कर ही हम लोग को क्या हो गया, उर्दू सीखना आ गया, हम लोग कंप्लीट सीख चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं, अभी आप लोग कंप्लीट सीखे नहीं। अभी देखिए, ये आप लोग को नहीं पता था लेकिन बोनस पॉइंट में मैं आप लोग को बता दी ना, उसी तरह अभी ढेर सारी चीज़ें हैं उर्दू में जो आप लोग को सीखना बाकी है, वो बोनस पॉइंट में, बोनस टिप्स में मैं आप लोग को बताते चली जाऊंगी। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी मैं आप लोग को जो कुछ भी समझाई समझ में आया। तो अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, चारों तरफ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।